सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी के मजे लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। जो व्यस्त थे वो व्यस्त ही निकले, वक्त पर तो फालतू लोग ही काम आए। गलतियां करने में बिताया गया जीवन ना सिर्फ अधिक सम्माननीय है बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी भी है। आज का पंचांग 12 मार्च 2020, दिन गुरुवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह 11:59 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र शाम 4:15 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:39 से 3:08 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:46 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 12 मार्च 2020, दिन गुरुवार, हाल ही में हुई हानि या भाग्य में बदलाव आपकी चिंता या अवसाद का कारण बन सकता है। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। योग, ध्यान, चिकित्सा या आध्यात्मिक उपाय इस समय आपका काम बनवा सकते हैं। आज का आपका दिन आश्चर्य से भरा रहेगा। जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा आपको परेशान कर सकती है। आप में से कुछ लोगों को भावनात्मक ताकत को बढ़ाने की जरूरत महसूस हो सकती है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल केवल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। आपके किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। इस राशि के जो लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हैं उन्हें समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। आज पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रह सकता है। आज के दिन आपके लिए निराशा से भी भरा हो सकता है। कोई आपके खिलाफ जा सकता है अथवा कोई आपसे किया हुआ वादा तोड़ सकता है। इससे आप खुद को हताश सा महसूस कर सकते हैं। आज के दिन आपको खुद के योग्यता से बेहतर बनना होगा। अगर आप दूसरे के भरोसे रहें तो आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। अपनी कल्पना शक्ति से अपने लिए एक रास्ते तलाशने के लिए उपयुक्त समय है। सावधानियां, अनावश्यक भ्रम पैदा होने के कारण एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। इन दिनों धन व्यय होने की भी संभावना ज्यादा पाई जाती है जिसके कारण पारिवारिक स्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। लव लाइफ की बात करें तो आज आप अपने साथी की जुदाई के कारण तनहा महसूस करेंगे जिससे आपको मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ समय अकेले में बिताएं और अपने साथी से जुड़ने के लिए नेटवर्किंग का प्रयोग करें। भय और डर छोड़कर आत्मविश्वास से काम लें। आपका चुलबुलापन आज आपकी अतीत की करवाहट को भी मीठी यादों में बदल देगा। आपका अनुभव आपकी भावनात्मक ताकत को बढ़ाएगा जिससे साथी के साथ अंतरंगता भी बढ़ेगी। आज आपका आकर्षण सभी को लुभाएगा और किसी ऐसे को आपको इतने पास ले आएगा जिसके आपने कल्पना भी नहीं की होगी। करियर की बात करें तो आज आप अपने दिनचर्या और जीवन में परिवर्तन करना चाहेंगे। आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। आर्थिक लाभ के लिए धन व्यय निवेश करते समय सावधानी बरतें। अभी आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपकी कंपनी का आनंद लेंगे। आपका व्यावसायिक जीवन आज आपको सातवीं स्वर्ग में ले जाएगा। आपकी क्षमताएं और गुण पूरे आकर्षण में हैं और आप लंबे समय से अटके कार्यों को आज पूरा करने में सफल होंगे। सेहत की बात करें तो आज आपको लापरवाही से सतर्क रहना होगा। आलसपन के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
अब आपको खुद को आराम देना होगा ताकि आपका शरीर और मूड दोनों ही अच्छे रहें। आज का उपाय, आज के दिन आप तुलसी पर जल अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।